राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी चुनाव में ज्यादा पोस्टल वोटिंग यानी डाक के जरिए वोट की ये कहते हुए आलोचना की कि इससे मतदान में बड़े स्तर की धांधली हो सकती है। पर क्या इसके कुछ सबूत हैं? राष्ट्रपति चुनाव को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि अमेरिका इस समय एक अभूतपूर्व स्थिति में है। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस बार के अमरीकी चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में मतदाताओं ने पोस्टल वोटिंग का विकल्प चुना। ट्रंप ने कई बार चुनाव में फ्रॉड की बात कही है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की ओर से किसी धोखाधड़ी, धांधली या हेराफेरी की बात नहीं कही गई है। मगर डोनाल्ड ट्रंप पोस्टल वोटिंग को खतरनाक मानते हैं और उन्हें लगता है कि इसके जरिए धांधली संभव है। इस वजह से अमरीकी चुनाव अधिकारी और डाक सेवा से जुड़े लोग भारी दबाव में हैं, क्योंकि उन्हें डाक से मिले लाखों अतिरिक्त मतपत्रों को मतगणना की प्रक्रिया में शामिल करना पड़ रहा है। इस वजह से ये दावा किया जा रहा है कि ये प्रक्रिया असुरक्षित है और इसमें छेड़छाड़ किए जाने की संभावनाएं हैं। क्या पिछले चुनाव में ऐसी कुछ समस्याएं हुई थी? कई राष्ट्रीय और प्रादेशिक अध्ययनों में ये बात सामने आई है कि कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए तो इलेक्टोरल फ्रॉड यानी चुनावी धांधली की संभावना न के बराबर है। कुछ ऐसे मामले हुए हैं जिन पर मीडिया में काफी रिपोर्टिंग हुई है। इनमें साल 2018 में हुए उत्तरी कैरोलिना प्राइमरी का मामला आया था, जिसमें रिपब्लिकन उम्मीदवार के एक कंसल्टेंट ने मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की थी। इसके बाद इस चुनाव को एक बार फिर आयोजित किया गया था, लेकिन साल 2017 में ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस की ओर से किए गए एक अध्ययन में सामने आया है कि अमेरिका में वोटिंग फ्रॉड की दर 0.0009% है। संघीय चुनाव आयोग के प्रमुख एलन वेइनट्रॉप कहते हैं कि इस कंस्पिरेसी थियरी यानी षड्यंत्र खोजने वाली थियरी का कोई आधार नहीं है कि पोस्टल वोटिंग की वजह से फ्रॉड होता है, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ मामले हैं जिनमें इलेक्टोरल फ्रॉड होने का दावा किया गया है। वर्जीनिया में अक्टूबर महीने के मध्य में डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली में कहा, वर्जीनिया में 5,00,000 आवेदन किए गए जो झूठे थे। ये सभी आवेदन एक एब्सेंटी बैलेट फॉर्म के लिए भेजे गए थे, लेकिन इनमें वापसी का पता गलत था। लेकिन वर्जीनिया में चुनाव अधिकारियों ने कहा कि इसमें धोखाधड़ी की मंशा नहीं थी और गलतियों को सुधार लिया गया था। वर्जीनिया सेंटर फॉर वोटर इन्फॉर्मेशन बताता है कि हमने हफ्तों तक काम किया ताकि प्रिंटिंग में हुई गलती की वजह से वर्जीनिया के किसी मतदाता को दिक्कत ना हो। 19 अक्टूबर तक 3,00,000 पंजीकृत मतदाताओं ने एब्सेंटी बैलेट का आवेदन लौटा दिया था। ओहायो के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया, ओहायो में 50,000 वोट गलत थे, फर्जी थे। ओहायो में अक्टूबर की शुरुआत में फ्रैंकलिन काउंटी में लगभग 50,000 मतदाताओं को डाक से गलत मतपत्र मिले, लेकिन ऐसे सबूत नहीं है कि इस मामले में धोखाधड़ी की गई हो। लोकल इलेक्शन बोर्ड कहता है कि प्रभावित मतदाताओं को सही वोटर स्लिप भेजी जा चुकी है और वे सभी उपाय किए गए हैं ताकि कोई भी दो बार मतदान ना करे। इलेक्शन बोर्ड का कहना है कि मतपत्रों में त्रुटि एक गंभीर गलती थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट के जवाब में बोर्ड ने प्रतिक्रिया दी, हमारा बोर्ड द्विदलीय है और चुनाव निष्पक्ष है, सभी मतों की गिनती की जाएगी। न्यूयॉर्क में लगभग 1,00,000 मतदाताओं को उनके मतपत्र दोबारा भेजे गए थे, क्योंकि कुछ नाम और पतों की प्रिंटिंग में कमी रह गई थी। मिशिगन में 400 पोस्टल बैलेट पर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए लड़ रहे व्यक्ति माइक पेंस की जगह लिबर्टेरियन पार्टी के जेरेमी कोहेन का नाम छपा था। राष्ट्रपति ट्रंप ने सितंबर के महीने में दावा किया था कि ये जानबूझकर किया गया, लेकिन मिशिगन प्रांत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि ये एक त्रुटि थी और प्रभावित मतदाताओं को तत्काल सही मतपत्र और दिशा निर्देश उपलब्ध कराए गए ताकि उनके मतों की गिनती की जा सके। विस्कॉन्सिन में ग्रीनविले कस्बे के पास एक गड्ढे में कुछ एब्सेंटी मतपत्र मिले। इस मामले की जांच होने के बाद भी अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि ये सब कैसे हुआ। व्हाइट हाउस ने आरोप लगाते हुए दावा किया कि इस मामले में फ्रॉड हुआ है।
पेंसिल्वेनिया में 9 फेंके गए सैन्य मतपत्र मिले। अमरीकी जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक इनमें से 7 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को दिए गए थे। न्यूजर्सी में डाक पहुंचाने वाली एक एजेंसी के खिलाफ सैकड़ों डाक पोस्ट कचरे में डालने का अभियोग लगाया गया। इनमें से 100 इलेक्शन बैलेट थे। इसके बाद ये मतपत्र इनके आधिकारिक मतदाताओं को भेजे गए। ये बस कुछ मामले हैं और इस बात के भी पक्के सबूत हैं कि डाक से मतदान एक सुरक्षित तरीका है। मतपत्रों को चुराने के लिए फर्जी वोटिंग रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अधिकारी इस बात की जांच करते हैं कि मतपत्र मतदाताओं के पंजीकृत पते से आए हैं और लिफाफों पर उनके हस्ताक्षर हैं। बैलेट हार्वेस्टिंग क्या है? अमेरिका के 26 राज्यों में एक नियम ये है कि एक व्यक्ति किसी समूह में बीमार या अशक्त लोगों के होने जैसे कारणों के चलते उनके मत एकत्रित करके जमा कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति समूह की ओर से कितने मत जमा करवा सकता है, इसे लेकर सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए मिनेसोटा में एक व्यक्ति सिर्फ 3 मतपत्र हासिल कर सकता है। जब यही काम व्यापक स्तर पर लगभग अवैध ढंग से किया जाए तो इसे बैलेट हार्वेस्टिंग कहते हैं। टेक्सास और मिनेसोटा में बैलेट हार्वेस्टिंग फ्रॉड के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन उन्हें सिद्ध नहीं किया जा सका है। हालांकि वोटिंग प्रक्रिया में फ्रॉड के सबूत काफी कम हैं, लेकिन इस चुनाव में पोस्टल वोटिंग में अभूतपूर्व वृद्धि बताती है कि आने वाले समय में मतगणना में जरूरी क्षमताओं पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं।